हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज के वीडियो में हम मोनोप्रोम फाइनेंस शेयर का डिटेल्स में प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस एक्शन बन सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, मोनोप्रोम फाइनेंस शेयर एनालिसिस करने से पहले और एक चार्ट स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें एग्जैक्टली मोनोप्रोम फाइनेंस में जिस टाइप का स्ट्रक्चर बना है प्रीवियसली इस चार्ट में भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बना था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड जो स्टॉक का नाम है उज्जीवन फाइनेंस सर्विस। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है उज्जीवन फाइनेंस सर्विस का। एंड यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हूँ डेली का, अगर आप इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राय देखिए एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। बॉटम रिवर्सल के लिए नहीं तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चाहिए था, जो कि यहाँ पे था। उसके बाद देखिए प्राइस ने बॉटम में बनाया था एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ए हो गया उसका लेफ्ट शोल्डर, ए हो गया उसका राइट शोल्डर एंड ए हो गया उसका हेड। एंड यहाँ पे जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हूँ, ए हो गया उसका नेक लाइन। एंड देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक लाइन को प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे प्राइस ने लगभग 50-60% का एक अब मूव दिया था एंड स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूशन मूव यहाँ पे दिया था। जब इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे भी हम इसको एनालिसिस किए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये जो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है ना, अभी ये सिमिलर बन रहा है अभी मोनोप्रोम फाइनेंस में। देखिए, जैसे ही प्राइस यहाँ पे नेकलाइन के आसपास कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्बल जो कैंडल बनाया था, उसके बाद ये ट्रेंड यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था। एग्जैक्टली मोनोप्रोम फाइनेंस में भी प्राइस इस जोन में अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसीलिए आपको ना इस जोन के ऊपर आपको फोकस करना है जब हम अभी मोनोप्रोम फाइनेंस में एनालिसिस करेंगे, तो इस टाइप का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। एंड जैसे ही और एक मार्बल कैंडल बन जाएगा, यहां से हमको एक स्ट्रांग मूव देखने को मिल सकता है मोनोप्रोम में। आई होप कि आप समझ पाए होंगे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस का चार्ट स्ट्रक्चर को। एंड जब भी हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट निकालते हैं, हमेशा से जो हेड का लो से नेकलाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो रहेगा हमारा टारगेट। अगर यहां से मैं मेजर कर लूंगा लो को हाई तक, तो वो बन रहा था अराउंड 57% के आसपास। एंड अगर इसको मैं क्लोन कर दूंगा तो टॉप में देखिए एग्जैक्टली वही टारगेट हमारा अचीव हो गया था। ओके, बहुत ही जल्दी ही ये 57% का मूव यहाँ पे आ गया था। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मोनोप्रोम फाइनेंस का शेयर के ऊपर। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है मोनोप्रोम फाइनेंस का। एंड यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ डेली, देखिए हमको इनवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। यहाँ पे प्राइस देखिए एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे बॉटम बनाया था, तो यहाँ पे ए बन गया उसका हेड, ए हो गया उसका राइट शोल्डर एंड आप इसको लेफ्ट शोल्डर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो ब्लू लाइन ड्रॉ हुआ ना, ये हो गया इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन। जैसे कि हम प्रीवियस चार्ट में एनालिसिस किए थे कि हमको नेकलाइन के आसपास प्राइस कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किया था, उसके बाद जैसे एक मार्बल कैंडल बन गया वहाँ पे हम एंट्री हुआ था। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए मेरा व्यू में आप अभी 20% क्वांटिटी यहाँ पे बाय कीजिएगा। माने आपको इस स्टॉक में 100 क्वांटिटी इन्वेस्ट करना था, आप इस प्राइस पर 20 क्वांटिटी बाय कीजिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी बाय मत कीजिएगा अभी के लिए। जब तक कि प्राइस और एक मार्बल कैंडल नहीं कंस्ट्रक्ट कर लेता थोड़ा टाइम के बाद, शायद प्राइस यहाँ पे 2-3 दिन या 4 दिन कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्बल कैंडल बना देगा, बैलेंस 80% वहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर। इसलिए अभी आप 100% क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में जो टोटल गेम है वो आपका है क्वांटिटी मैनेजमेंट का। अगर आप सही तरीके से आपका क्वांटिटी को मैनेज नहीं करेंगे तो आपको नेट में प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हैवी क्वांटिटी लेंगे तो शायद एक ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन आप एक दिन 1 लाख रुपया कमा रहे हैं या 5 लाख कमा रहे हैं ये वो मैटर नहीं करता है, जब तक आप नेट में प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हमेशा से आपका क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा एंड कौन सा एरिया पर क्वांटिटी लो लेना है एंड कहाँ पे ऐड करना है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हम उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस का चार्ट स्ट्रक्चर में देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाने के बाद नेकलाइन को प्राइस ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक रेंज में 5-10 ट्रेडिंग डे ऐसा कंसोलिडेशन हुआ था। उसके बाद जैसे यहाँ पे मारुबाजु कैंडल एक बन गया एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, नेक्स्ट ट्रेंड यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप 20% क्वांटिटी लीजिएगा, आपको जितना भी क्वांटिटी लेना था उसमें 20% अभी लीजिएगा। जब प्राइस यहाँ पे 4 से 5 ट्रेडिंग डे कंसोलिडेशन करने के बाद एक मारुबाज कैंडल यहाँ पे बनेगा, उसके बाद आप क्लोजिंग बेसिस पर नेक्स्ट 80% ऐड कर दीजिएगा। एंड अगर 20% आप क्वांटिटी यहाँ पे ले रहे हैं तो अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखिएगा, जो स्विंग लो यहाँ पे बन रहा है ना नियरली 112 के आसपास रखिएगा अगर आप यहाँ पे 20% क्वांटिटी ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना तो आपका लॉस बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि अभी आप 20% क्वांटिटी लिए, बैलेंस 80% क्वांटिटी आपके पास है। अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कन्फर्म हो जाता है उसके बाद ऐड कर सकते हैं, इसलिए 112 के आसपास 20% क्वांटिटी के साथ अभी स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिएगा। एंड 4-5 ट्रेडिंग डे के बाद जैसे कि प्राइस इस टाइप का ऊपर नीचे होकर एक रेंज बना देगा एंड एक मारुबाज कैंडल यहाँ पे बनाएगा, उसके बाद आप 80% क्वांटिटी ऐड कर दीजिएगा एंड यहाँ पे जो भी रेंज रहेगा लोअर साइड में वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। मैं एक बार के लिए उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस का चार्ट स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ स्टॉप लॉस का अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए प्राइस जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद कंसोलिडेशन किया एंड जैसे इस कैंडल बन जाएगा ना आपका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जोन था उसी कंसोलिडेशन जोन का लोअर बाउंड्री। लेकिन अभी के लिए मनप्पुरम फाइनेंस में जो स्विंग लो बना है ना 112 के आसपास वहाँ पे रख सकते हैं, एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पे स्विंग लो था। जैसे ही प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद इस टाइप का बड़ा सा कैंडल बना देगा ग्रीन कैंडल, उसके बाद आपका 80% क्वांटिटी ऐड हो जाएगा, उसी केस में जो भी वहाँ पे स्विंग लो रहेगा वहाँ पे आप स्टॉप लॉस को प्लेस कर दीजिएगा, जो कि आपका क्वांटिटी मैनेजमेंट भी परफेक्ट रह जाएगा एंड यहां पे ब्रेकआउट भी आपको कंफर्म हो जाएगा। अभी हम चलते हैं मोनोफ्रोम फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर एंड एग्जैक्टली यहां पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है। देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन क्योंकि प्राइस इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये पैटर्न बना है इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई कैंडल। तो वहाँ पे अगर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगा तो ये सप्लाई यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा, उसके बाद जो भी यहाँ पे स्विंग लो बनेगा वहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड करके स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिएगा। अभी के लिए 20% क्वांटिटी के साथ 112 के आसपास स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। एंड इसका टारगेट क्या बनेगा, टारगेट के लिए आप यहाँ पे यूज यहाँ पे जो बॉटम बना है ना बॉटम से नेकलाइन तक का डिस्टेंस, तो अगर मैं यहाँ पे बॉटम को नेकलाइन तक ज्वाइन कर लूँगा तो अराउंड बन रहा है 53% का आपका टारगेट बन रहा है। अगर आप अभी एंट्री करते हैं एंड आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आपको मिनिमम यहाँ से 53% रिटर्न मिलना चाहिए इस नेकलाइन से। अगर मैं टारगेट आपको दिखाऊंगा जो कि टारगेट बनेगा नियरली 190-193 के आसपास एज पर दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से। ओके बस हमारा काम है हमारा क्वांटिटी को मैनेज करना है एंड रिस्क को मैनेज करना है। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।